हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आज आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सागवान में जो कीट लगे हैं इनको हटाना है। ये देखिए, ये जो कीट दिख रहे हैं आपको, ये पूरा पेड़ का नुकसान कर दे रहा है। ये ऊपर वाला सिरा जो ये है नया जो निकलता है, इसी को खा जाता है, जिससे पेड़ जो है पूरा एक तरह से उसका क्या बोलते हैं, गर्दन कट जाता है। और आपको दूसरे पेड़ में मैं दिखा रहा हूँ कि इसका नुकसान, कीड़ों का नुकसान से देखिए क्या होता है। ये पेड़ साइज का है, ये देखिए इस पर कीड़े अभी भी बैठे हुए हैं। और ये है इसका अंडा, और ये इसका देखिए अदर के मुकाबले ग्रोथ रुक गया है। ये सामने वाला पेड़ है देखिए इनका, और ये दोनों साथ में लगाए, लेकिन इसमें कीड़ा लग जाने कारण सारा पत्ता देखिए इसका थोड़ा मुरझाया सा, नरम सा, ये रंग भी इसका पीला हो गया है। और ये जो काट काट कर खा जाते हैं तो इसमें होता है नुकसान कि तना भी इसका कमज़ोर हो जाता है। ये देखिए किस तरह पूरा फैमिली के साथ बैठे हुए ये सारे कीड़े। और ये आप देख सकते हैं कि इसके निचले हिस्से में धूप, ये देखिए ये हुआ अंडा। तो आइए दिखाते हैं कि इस तरह का कीड़ा के लिए कौन सा दवाई उपयोग करेंगे और किस तरह उपयोग करेंगे। तो आइए पहले दवाई इसका बनाते हैं। तो ये देखिए, पहला ये जो दवाई है मोनोसिल, ये होते हैं फितंगा कीट सब जो उड़ते हैं ना उसके लिए है ये। इसका प्राइस लगभग 80 रुपया पड़ जा रहा है। और दूसरा है ये एक तरह का कीड़ा होता है पेड़ में, जिसको हम लोग लार्वा टाइप भी बोलते हैं, उसका ये खात्मा करता है। इसका नाम एक तरह का ये देख लीजिए, नायक। और तीसरे टाइप में है विक्टर, ये जो है ग्रोथ के लिए है। अगर जैसे ऊपर का कली सब ग्रोथ रुक जाता है तो उसके लिए ये है विक्टर। और ये तीनों को हम लोग जो है ये 15 लीटर का पानी में 20 ml 20 ml 20 ml करके डालेंगे। ये देखिए लगभग 20 ml ठीक है, हो गया। ये हुआ एक और ये दूसरा। ये जो दूसरा दवाई है ये ग्रोथ के लिए है बताया था, इसको भी आपको 20 ml ही देना है 15 लीटर में। सब मिला के 15 लीटर में कम 60 ml का है, 50 ml का है, ये एवरेज आप दे सकते हैं। अब ये तीसरा है, तीसरा इसको डालेंगे। और इनको जो है एक स्प्रे, मैनुअल स्प्रे है, इसके मदद से हम लोग पेड़ में डालेंगे। ये पहले जो है जब पेड़ ये छोटा था तो हम लोग हाथ से ही या कोई किसी तरह डाल देते थे। अब ये पेड़ जो है काफ़ी 10-12 फीट के हो गए, तो सबसे ऊपर में पहुँचाने के लिए एक तरह का नोजल स्प्रे या मैनुअल स्प्रे कुछ भी बोल लीजिए, इसका उपयोग करेंगे। तो ये आपका दवाई हो गया रेडी। इसे एक तरह का पूरी तरह से रिस्की है। चलिए अब आपको ये हमारा अब रेडी हो चुका है दवाई, अब आपको हम स्प्रे करते हुए दिखाएंगे। ये आपको एक बार फिर से हालत ये दिखाते हैं कि किस तरह, ये देखिए पूरा पत्ते को काट काट कर जालीदार बना देता है, इसके कारण इसका सही से ग्रोथ या विकास नहीं हो पाता है। आप अधिकतर पेड़ में देख सकते हैं कि लग गया है। और ये बगीचा मेरा है, इसका ट्रीटमेंट के लिए मैंने क्या बोलते हैं कृषि केंद्र गया, वहाँ पर इसको बताया कि इसका आप धुलाई कर दो दवाई से। ये देख रहे हैं अधिकतर पेड़ में ये लग गया है, इस पर कीड़े भी बैठे हुए हैं। शायद मैं आपको कोशिश करूं दिखाने की, ये देखिए
और ये अंडे बहुत ज़्यादा देते हैं, और अंडा देता है, और इनका जो बच्चा निकलता है वो पूरा का पूरा ऊपर वाला जो न्यू कली है उसी को खा जाता है, जिससे पेड़ जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये मैंने जुगाड़ किया, ये जो है एक हिस्सा दवाई वाला में डाला और दूसरा देना है, और इससे आप पहला जो है नोजल, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि फव्वारा आपको किस तरह से देना है, इससे ये होगा कि सॉलिड जाएगा और दवाई का वेस्ट नहीं होगा। ये हमारे किसान भाई इसका एक तरह से नोजल टाइट कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ अब सही है, ये नोजल ठीक है। इससे आपको हर पत्ता धोना है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बाकी अपडेट मैं फिर देता रहूँगा।